लाइफ में बवंडर ला चुका है, लेकिन आज पता नहीं क्या कुछ एक छोटी सी कुछ प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो सभी लोग बोल रहे हैं मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो लोगों का काम है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना देकर सिर्फ अपने गोल, अपने फोकस करके अपने गोल पर कि मुझे हासिल करना है, यहाँ से हर हाल में एक अचीवमेंट लेना है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आपने वो सुना ही होगा ना कि जब आपको बड़ी बड़ी इमारतें बनानी होती है तो उसमें थोड़ा वक्त भी लगता है, सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये वही चीज है साथियों, समझना होगा आप सभी को। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करते रहिए। पहले यूएसडी थंडर के प्रेजेंटेशन को देखते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग हम सारी बातें करेंगे। तो मार्केट में आप लोगों को थंडर्स नाम, साथियों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिस्टम भी मार्केट में चल रहे थंडर्स प्लान की तरह होगा, तो सॉरी साथियों आप लोग गलत हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब का आंकलन उसके कवर से नहीं करना चाहिए। ये सच भी है, जब उसे पूरा पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा कि उसका मैसेज क्या है, उसकी सोच क्या है और उसमें लिखा क्या है। तो सेम टू सेम यूएसडी थंडर के साथ भी वही कहानी है कि नाम देखकर एक बहुत से लोग बस सिर्फ इसे किनारा कर देते हैं, लेकिन वो लोग बहुत पछताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम की सोच क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है इस प्लान का, क्या सिर्फ हवा में है या सिर्फ दिखाया जाता है, एक्चुअल में क्या है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही पता चलता है। तो साथियों यूएसडी थंडर बेसिकली इंग्लैंड से 16 फेब को स्टार्ट हुआ ग्लोबली, 2 वीक हो चुके हैं इसको। इसे स्टार्ट करने वाले मिस्टर मॉरिस एक क्रिप्टो इन्वेस्टर, एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं, सॉरी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, फॉरेक्स के मार्केट के मतलब बेताज बादशाह हैं। और वो जहां पर जिस ग्रुप के साथ एसोसिएट है उस ग्रुप का नाम है मल्टी बैंक एफएक्स ग्रुप। अब मल्टी बैंक एफएक्स ग्रुप नया नहीं है, ये 2005 से मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। एक ब्रोकरेज हाउस है जहां पर वर्ल्ड वाइड लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, जिनके बहुत बहुत बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बड़े बड़े अकाउंट्स पर ट्रेड होती है फॉरेक्स मार्केट। अब साथियों फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि पीछे की सोच क्या है, किस तरह से ये मार्केट में क्यों आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट एज पर क्रिप्टो, मेरे मुंह से अभी क्रिप्टो निकला बिकॉज मैं भी फॉरेक्स में नया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। बहुत बेसिक सी नॉलेज है मुझे फॉरेक्स की, क्रिप्टो में थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन फॉरेक्स की बेसिक सी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो मार्केट उसकी ट्रेड बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है, बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये एक बबल्स भी है, ठीक है ना, मानता हूं बहुत ज्यादा हाई रिस्क है क्रिप्टो के अंदर, हाई प्रॉफिट है तो हाई रिस्क भी है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट कंपेरिजनली कंपेयर करें अगर हम क्रिप्टो मार्केट से, तो उससे सेफ है। आपने देखा बिटकॉइन, हमने 50 लाख 55 लाख तक भी देखा, उसके बाद 30-35 लाख पर भी देखा। फ्लक्चुएशन देखिए, ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70% भी डाउन सारी क्रिप्टोकरेंसी आती है, बहुत सी क्रिप्टोकरेंसी 90-80% भी डाउन। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या आपने सभी ने सुना कि डॉलर 80 रुपए से 8 रुपए का हो गया? कभी नहीं। तो फॉरेक्स में होता क्या है, फॉरेक्स मार्केट में हर देश की अपनी जो करेंसी होती है वो आपस में लेन देन करती है। आप पॉन्ड खरीद लिए, डॉलर बढ़ा, आपने डॉलर खरीद लिए, डॉलर डाउन गया, खरीद लिए, बढ़ा, बेच दिए, ठीक है ना। हर देश की इकोनॉमी, हर देश की बैकबोन उसकी करेंसी होती है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो टूटे या डाउन जाए। तो बस मुझे इतना ही बेसिक सा नॉलेज था, ठीक है, और आप लोगों को भी इतना ही जानना है। फॉरेक्स का मतलब आते ही कि हर देश की करेंसी आपस में ट्रेड होती है, वही फॉरेक्स मार्केट, तो वो सेफ होता है। तो यहां पर जो बैकग्राउंड है, जो बैकबोन है, वो है मल्टी बैंक। मल्टी बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है और 2005 से वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और मिस्टर मॉरिस कौन है, तो मिस्टर, अब आपने कहा कि सर ठीक है मल्टी बैंक का ये काम आपने बता दिया, लेकिन मिस्टर मॉरिस कौन है? तो मिस्टर मॉरिस मल्टी बैंक के एसोसिएट पार्टनर है, और पार्टनर पहले दिन से नहीं है, वो वहां पर एज ए ट्रेडर उसमें ट्रेड करते थे, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करते थे, इज ए कॉमन मैन, वो एक आम इंसान। ट्रेड करते करते उनका पोर्टफोलियो बड़ा हुआ, उनके बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके साथ में काम करने लगे, जो कि जिन्हें वो जानते थे, जिनके साथ उनके रिलेशंस थे,
वो मल्टी बैंक में काम करते करते इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो को हैंडल्स कर रहे थे, खुद की टीम बिठाकर मल्टी बैंक्स के साथ में काम कर रहे थे, और मल्टी बैंक में उस समय बहुत हायर अर्नर्स हुआ करते थे जो कि अलग अलग देशों से वहां पर ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे। लेकिन मिस्टर मॉरिस एक इकलौते इंसान थे जिन्होंने सभी को पीछे छोड़कर मल्टी बैंक के सबसे हायर अर्नर बने, सबसे हायर अर्नर और सबसे बड़े अकाउंट्स वाले जिनके अकाउंट्स मिलियंस ऑफ डॉलर में थे। तब जाकर मल्टी बैंक ने मिस्टर मॉरिस, क्योंकि बिजनेस जो था मिस्टर मॉरिस के बहुत ज्यादा था, और आप जानते हैं कि चाहे आपका कोई यूजर हो किसी भी कंपनी का और उस यूजर की भागीदारी उस कंपनी के बिजनेस में ज्यादा होती है तो वो एक तरह से पार्टनर ही हो जाता है। लेकिन मल्टी बैंक के अंदर बाद में चलकर मिस्टर मॉरिस एज ए पार्टनर काम करने लगे, और फिर उन्होंने ये देखा कि मुझे इस मल्टी बैंक ग्रुप को और बढ़ाना है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कम्युनिटी कि मैंने मेरे लोकल जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनसे इतनी कम्युनिटी बनाई है, अगर मैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को इस सिस्टम में ला सकूं। अभी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको बताया जाता है, रियल एस्टेट का देख लीजिए या किसी भी टाउनशिप का देख लीजिए या कोई मूवीज देख लीजिए या कोई कंपनीज देख लीजिए, तो उसके शेयर्स होते हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से अब डायरेक्टली अगर फॉरेक्स मार्केट में लोगों से इन्वेस्ट कराया जाए उसके बारे में नॉलेज दी जाए तो लोगों को नॉलेज नहीं। इसीलिए सिंपल सा फॉर्मूला यूएसडीटी थंडर, जिससे दो चीजें हुई कि एक तो लोगों की कम्युनिटी बनी और उनको फोर्सफुली या बाउंडेशन देकर नहीं, उनकी स्वेच्छा से उनकी इच्छा से फॉरेक्स मार्केट में यूएसडीटी के थ्रू स्टेकिंग फॉर्मेट में उस पैसे पर मल्टी बैंक के अंदर ट्रेड करके आपको बेनिफिट, आपको एज ए ट्रेड प्रॉफिट स्टेकिंग बोनस के रूप में दिया। लेकिन आप ये चीज देखो कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बन रही, अगर वर्ल्ड वाइड 1,00,000 लोग भी आते हैं तो 1,00,000 लोगों को फोर्सफुली इस स्टेकिंग प्रोग्राम में नहीं लाया जाएगा। यहां से सभी 1,00,000 लोग पैसा कमाएंगे क्योंकि आपस में वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। मिस्टर मॉरिस कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर रहे हैं, मिस्टर मॉरिस का एक ही काम है मल्टी बैंक में और ज्यादा फंडिंग करके और बड़े अकाउंट्स पर और बड़ी ट्रेड करना और बड़ा प्रॉफिट निकालना। लेकिन जिन लोगों का जो प्रॉफिट शेयर है वो उन्हें देना, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, एक न्यू प्लेटफॉर्म। यूएसडीटी थंडर इस तरह से आप लोगों के बीच में आया और यहां पर हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं $15। मिस्टर मॉरिस को इस प्लान से पैसा नहीं कमाना है क्योंकि आप लोग जानते हैं इस प्लान में 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो साथियों जानते हैं कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये प्लान क्या है। मैं आपको अबाउट अस बता चुका हूं कंपनी के बारे में, मिस्टर मॉरिस का मैसेज बता चुका हूं। लीगली अब आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में MCA में रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह से UK से स्टार्ट है तो ये उनका रजिस्ट्रेशन, ये उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करना है, वो USDT थंडर में आपका अकाउंट ओपन होता है, यानी कि हम जिसे ID बोलते हैं, ID रजिस्टर्ड करनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में आपको डिपॉजिट करना है सिर्फ $15, जिससे आप स्टार्टअप ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। $15 के बेनिफिट्स क्या होंगे मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ एक ही पैकेज है $15 का, मल्टीपल पैकेज नहीं है। अगर इनका स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं होता, इनकी ऐसी सोच कम्युनिटी बनाने की नहीं होती तो ये पैकेज बड़े रखते और मल्टीपल रखते। बात को समझना, $15 का पैकेज क्यों है। $15 का पैकेज इसलिए है कि इन्हें कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर $50 का पैकेज पे एक्स्ट्रा बेनिफिट, $100 के पैकेज पे और एक्स्ट्रा बेनिफिट, $500 के पैकेज पे बहुत सारा बेनिफिट और $1,000 के पैकेज पे तो पूछो ही मत इतना बेनिफिट। नहीं, ये चाहते तो ऐसा करते, और हम लीडर्स हैं तो हर $1,000 या $5,000 की ID होती तो भी हम मार्केट में सेल करते, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना चकाचौंध वाला प्लान होता है, जितनी ज्यादा उसमें लालच छुपी होती है उतना ही मार्केट में बूम करता है। आप सभी लोग जानते हैं, लोग कहते हैं सर और पैकेज नहीं है क्या कोई बड़ा। नहीं, प्लान से कम्युनिटी गेन करना इनका मेन मोटिव है। $15 का एक पैकेज है, इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपकी ID एक्टिव हो जाती है और $15 आपका एज इट इज स्टैकिंग में चला जाता है। यानी कि देखो, सोचना, देखो $15 आपसे लिए, $15 में आपकी ID एक्टिवेट कर दी जो कि फ्री हो गई, क्योंकि आपने $15 जो दिए वो आपके स्टैकिंग में चले गए, आपके $15
स्टेकिंग में चले जाते हैं 60 दिनों के लिए, वो लॉक हो जाते हैं और 60 दिनों तक आपको 1% उस $15 के ऊपर मिलता है, लेकिन आपकी आईडी फ्री हो चुकी है क्योंकि आपने जो पैसा दिया था $15 वो आपको स्टेकिंग गिफ्ट के नाम पे एज इट इज मिल जाता है, एज ए स्टेकिंग गिफ्ट, साइन अप गिफ्ट कह सकते हो आप स्टेकिंग का, $15 उस पर 1% आपको हर दिन आता है। अब यहीं से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ सिस्टम से करने का मौका मिलता है, जिसमें पहली इनकम ग्लोबल टीम बोनस है जो कि नॉन वर्किंग पार्ट में आती है, रेफरल टीम बोनस ये वर्किंग पार्ट में आती है जब आप काम करते हैं, टीम विड्रॉल बोनस जब आप काम करते हैं और जो भी आपकी टीम बनी है या जो नॉन वर्किंग से टीम बनी है वो जब भी सिस्टम से पैसा विड्रॉल करती है उनसे भी आपको इनकम आती है, थंडर क्लब बोनस आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपकी इनकम, एक्स्ट्रा बोनस कह सकते हो उसको, सॉरी रिवॉर्ड बोनस आप काम करते चले गए तो हर सिस्टम के अंदर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड बोनस मिलेगा, लॉयल्टी बोनस इसे हम एज अ रिटायरमेंट कह सकते हैं क्योंकि यहां से एक लॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टार्ट होता है स्टेकिंग पार्ट, स्टेकिंग बोनस जितना आप स्टेक करेंगे उस पर आपको स्टेकिंग बोनस मिलता है, आपके अमाउंट के ऊपर ट्रेड होती है फॉरेक्स मार्केट में और उस पर जो प्रॉफिट निकलता है वो आपको मिलता है, टीम स्टेकिंग बोनस जब आपकी टीम भी स्टेकिंग करती है तो उनसे भी आपको बोनस मिलता है, पहली जो ग्लोबल टीम बोनस है साथियों मैंने कहा था कि नॉन वर्किंग पार्ट, आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराया, आपके $15 स्टेकिंग में चले गए, 1% आपको पर डे मिलेगा और उसके बाद जो भी सिस्टम में इन्वॉल्व होगा वर्ल्ड वाइड जो भी आईडी एक्टिवेट कराएगा आपकी आईडी आपके अकाउंट एक्टिवेशन के बाद वो आपके डाउन में प्लेस होगा, आपने अभी तक किसी को रेफर नहीं किया, मैं नॉन वर्किंग पार्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद कोई भी एक्टिवेशन होगा तो आपके डाउन में वो प्लेस होगा और उसके बाद जितने भी लोग एक्टिवेशन होंगे वो सारे आपके डाउन में प्लेस आते रहेंगे जब तक कि आपके डाउन में 40 लोग नहीं आए, अब ये 40 लोग आपने नहीं ज्वाइन कराए, आपकी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इन 40 लोगों से आपको 1% इनके आने पर इनके डिपॉजिट पर मिलने वाला है और डिपॉजिट $15 का है, 1% हर एक व्यक्ति से मिलेगा, मजे की बात तो ये है कि ये 40 लोग जब भी सिस्टम से विड्रॉल करेंगे तब भी आपको उनके विड्रॉल पर 1% मिलेगा, जितना इनको मिल रहा है उसका 1% आपको मिलेगा, तो ये ग्लोबल टीम बोनस है, नॉन वर्किंग पार्ट है, बिल्कुल आपको नॉन वर्किंग में इनकम मिलेगी, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हो कि नॉन वर्किंग वर्किंग करने वालों से आप ज्यादा इनकम कमा लो तो सर वर्किंग करने वाले आपसे ज्यादा मेहनत किए हैं, आपने सिर्फ अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, इनकम होगी नो डाउट बहुत अच्छी इनकम होगी लेकिन इंतजार करना पड़ सकता है, 40 लोग आ जाते हैं आपके डाउन में लेकिन वो विड्रॉल करेंगे क्योंकि वो काम करेंगे तब वो विड्रॉल लगाएंगे और तब उनसे इनकम आएंगे। नेक्स्ट रेफरल टीम बोनस, यहां पर पूरे 15 लेवल की लेवल कमीशन आपको मिलती है क्योंकि इस इनकम को आप वर्किंग मोड पे देखते हैं, वर्किंग मोड पे ये काम करती है रेफरल, आप जब किसी को रेफर करते हैं वहीं से आपकी इनकम होना स्टार्ट होती है और वो पूरे नीचे 15 लेवल से आती है, फर्स्ट लेवल पर आपको 20% मिलता है जिनको भी आप इस सिस्टम में डायरेक्टली लेकर आए, उसके बाद में सेकेंड लेवल से 5%, थर्ड लेवल से 5%, लेवल 4 से लेकर 10 तक 2%, लेवल 11 से 14 तक 1% और आखिरी 15वें लेवल पर 2%। अब साथियों ये परसेंटेज आपको पता है, एक ही पैकेज है $15 तो उसी का आपको फर्स्ट लेवल पर 20% मिलेगा $15 का, $15 का ही 5-5%, 2-2%, 1-1% मिलता है। 15 लेवल साथियों बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आपके डायरेक्ट में 15-20-25 लोग लगे हुए हैं तो हर दिन आपकी टीम में कोई ना कोई ज्वाइन होता रहता है और हर दिन $100, $200, $300, $500 की हर दिन आप यहां से 15 लेवल तक रेफरल लेवल कमीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टीम विड्रॉल बोनस, अब जो आपको 15 लेवल में लोग वन टाइम आने पर डिपॉजिट पर पैसा देते हैं वही 15 लेवल की टीम जब पैसा विड्रॉल करती है तब भी आपको सेम परसेंटेज देती है जब उन्होंने डिपॉजिट पर दिया था, मतलब फर्स्ट लेवल पर जब कोई ज्वाइन हुआ था डायरेक्ट में आपके तो उससे आपको 20% मिला था एक बार उनके आने पर, लेकिन अब वही लोग जब सिस्टम से पैसा विड्रॉल करेंगे तो उनको जितना अमाउंट मिलेगा उसका 20% आपको भी मिलेगा, इसी तरह से लेवल 2 और 3 पर उनको जितना अमाउंट मिलेगा उसका 5% आपको भी मिलेगा, लेवल 4 से लेके 10 तक 2% मिलेगा, 11 से 14 पर 1% और 15वें लेवल पर 2%, यानी कि पूरे 15 लेवल की टीम जब भी सिस्टम से पैसा विड्रॉल करेगी उन्हें जितनी कमाई होगी उसका आपको
पूरा का पूरा 15 लेवल के 50% होता है, ये आप जोड़ेंगे 20, 5, 5, 2, 2 जो ये मिल रहा है 50% वापस से आपको उनके विड्रॉल पर 15 लेवल की टीम से मिलता है। थंडर क्लब बोनस, तो साथियों थंडर क्लब बोनस हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ताकि इंसान इंडियंस वाली बात भी नहीं है, ह्यूमन नेचर ही है, ह्यूमन नेचर क्या करता है हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, क्योंकि ज्यादा मिले हर चीज में ज्यादा मिले, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर आप देखिए थंडर क्लब बोनस कैसे मिलता है। थंडर क्लब बोनस अभी तक आप देखेंगे 90% का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, 10% कंपनी पहले दिन से होल्ड रखती है, हर एक आईडी से, हर एक बिजनेस से, पूरे 7 दिन का बिजनेस कैलकुलेट होता है, और जितने लोगों ने अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को ज्वाइन कराया है उन्हें थंडर क्लब बोनस के रूप में इनकम मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनके बीच। लेकिन यहां पर भी 2 कम्युनिटी होती है, पहली कम्युनिटी वो है जिन्होंने 7 दिनों के अंदर 10 डायरेक्ट किए, दूसरी कम्युनिटी 7 दिनों में नहीं कर पाती है, वो कभी भी करें, जिस दिन उनके 10 हो जाएंगे उस दिन से उनको थंडर क्लब बोनस मिलना स्टार्ट हो उस वीक से। यहां पर 7 दिन में करने वालों को 10% में शेयरिंग मिलती है, और 7 दिन के बाद नो टाइम लिमिट कभी भी कीजिए 5%। यहां पर कंपनी 10% जो निकालती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस वीक में आप अचीव करते हैं उस वीक का तो मिलेगा, लेकिन अगले नेक्स्ट वीक से आपको 1 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। जिस वीक में आप 1 डायरेक्ट करेंगे उस वीक की आपको थंडर क्लब बोनस रॉयल्टी मिलेगी, जिस वीक में नहीं करेंगे उस वीक की नहीं मिलेगी। लेकिन आप इस क्लब से बाहर नहीं होते हैं, आप क्लब में रहते हैं क्योंकि आपने अचीव किया है, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए जब भी लाइफ में जिस वीक में आप 1 डायरेक्ट करेंगे उस वीक की आपको थंडर क्लब बोनस मिल जाए। रिवॉर्ड बोनस, साथियों मैं वापस इस पॉइंट पे जाना चाहूंगा थंडर क्लब बोनस पर। थंडर क्लब बोनस मैंने अभी बताया था एज पर ह्यूमन नेचर हम लोग सोचते हैं ज्यादा ही ज्यादा मिले, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली बिजनेस के ऊपर, तो ये फ्लक्चुएट कम ज्यादा हो सकता है, आप इसे एक सर्टन फिक्स अमाउंट मानकर ना चले, क्योंकि ये कंपनी के बिजनेस पर डिपेंड करता है और उसके बाद अचीवर्स के ऊपर, क्योंकि अचीवर्स जितने ज्यादा होते चले जाएंगे ये इनकम कम ज्यादा होती चली जाएगी, ठीक है साथियों, तो ये फिक्स नहीं होती। रिवॉर्ड बोनस बिल्कुल फिक्स है, जो आपकी टीम जब बढ़ती है आगे तो हर एक लेवल पर एक फिक्स टीम होने पर आपको वो रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे कि आपके डायरेक्ट में 10 लोगों की टीम होती है, डायरेक्ट स्पॉन्सर 10 हो जाते हैं, कभी भी होंगे $2 आपको रिवॉर्ड के मिलेंगे। दूसरे लेवल पर 50 की टीम होती है, कभी भी होगी नो टाइम लिमिट, आपको $25 रिवॉर्ड के मिलते हैं। तीसरे लेवल पर 250 की टीम होती है, नो टाइम लिमिट, आपको $50 रिवॉर्ड के मिलेंगे। चौथे लेवल पर 1000 की टीम होने पर $1000 रिवॉर्ड, पांचवे लेवल पर 2500 की टीम होने पर 2500 का रिवॉर्ड, इसी तरह से रिवॉर्ड बढ़ते हुए 2 से 2.5 लाख के रिवॉर्ड पूरे 10 लेवल तक आप ले सकते हैं। यहाँ आप मेहनत नहीं करते, क्योंकि आपकी मेहनत डायरेक्ट वाले लोगों को लेकर आने में होती है और उन्हें गाइड करने में होती है, बाकी नीचे जितने भी लेवल है वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। अगर आप ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ में अपने फर्स्ट लेवल की टीम का सपोर्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, तो आराम से बड़े प्यार से आपके सारे लेवल ये अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है रैंक लॉयल्टी बोनस। अब रैंक लॉयल्टी बोनस जो है, मैंने कहा था कि एज ए रिटायरमेंट आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपको एक रैंक दी जाती है, उस रैंक का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि उस समय लोग आपको रैंक से जानने लगते हैं सिस्टम में, उसके बहुत से बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि आप सिस्टम से $1000 की इनकम जिस दिन कर लेते हैं, $1000 की इनकम जिस दिन कर लेते हैं उस दिन आप 1 स्टार बन जाते हैं, और आप 1 स्टार के नाम से जाने जाते हैं, और आपको $1 हर दिन कंपनी एज ए लॉयल्टी देती है लाइफ टाइम। $5000 की जिस दिन आपकी इनकम हो जाती है उस दिन आप 2 स्टार बनते हैं सिस्टम में, और 2 स्टार बनने पर आपको $2 पर डे एज ए लॉयल्टी मिलती है, और आपका विड्रॉवेबल जो अमाउंट होता है वो 60% हो जाता है, यानी कि 10% आपकी इनकम बढ़ जाती है, और 40% ही ओनली आपका रीइन्वेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। 15000 की इनकम पर आप 3 स्टार होते हैं, $3 रोज मिलता है, इनकम आपकी 70% हो जाती है, 30% रीइन्वेस्ट। $25000 की इनकम करने पर 4 स्टार बनते हैं, $4 पर डे आपको एज ए लॉयल्टी लाइफ टाइम तक आने वाला है,
70% आपका वही विड्रॉल और 30% आपका डिस्ट्रीब्यूशन। $50,000 की इनकम कर लेते हैं आप तो 5 स्टार बनते हैं और $5 आपको पर डे एज ए लॉयल्टी मिलता है और 80% तक अब यहाँ आपका विड्रॉल होता है, 20% ही आपका ओनली री इन्वेस्ट होगा। इसके बाद स्टार्ट होता है स्टैकिंग पार्ट। मैं बता चुका हूँ स्टैकिंग पार्ट किस तरह से काम करता है। जो भी स्टैकिंग पर अमाउंट लगता है, फंड लगता है, उस पर फॉरेक्स ट्रेड होती है मल्टी बैंक के अंदर। मिस्टर मॉरिस की एक्सपर्ट टीम और मिस्टर मॉरिस के एक्सपीरियंस के अंदर ही सारी ट्रेड्स होती है। वहां जितना भी प्रॉफिट हो कंपनी जो कमिटमेंट करती है उतना ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाकी सारे की सारी कंपनी की कमाई होती है। चाहे कंपनी को कितना भी परसेंटेज प्रॉफिट निकले लेकिन जो आपको बोला है कंपनी उतना ही देती है। अच्छा, कंपनी को किसी समय अगर लॉस भी होता है तो भी कंपनी आपको कमिटमेंट किए हुए वादे पर ही देती है, क्योंकि बहुत सी बार कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वहां से वो अपने लॉस को रिकवर करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो किस तरह से हम इस पार्ट को यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आप करें ना करें आपकी चॉइस है। $15 तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम स्टैकिंग में डाल दिया आपके लिए, लेकिन आपको $25 मिनिमम स्टैकिंग में अगर और डिपॉजिट करने हैं या आपने जो इनकम करी है उसको स्टैकिंग में डालना है तो मिनिमम $25 से स्टैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी मर्जी हो उतना स्टैकिंग कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अपना स्टैकिंग 60 दिनों के लिए करते हैं तो 1% रोज मिलेगा, 90 दिनों के लिए करते हैं तो 1.5% रोज मिलेगा, 120 दिनों के लिए स्टैकिंग करते हैं तो 2% पर डे आपको ट्रेड प्रॉफिट मिलने वाला है, और 180 दिनों के लिए स्टैकिंग करते हैं तो 3% पर डे आपको स्टैकिंग बोनस मिलने वाला है। तो साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि आपने स्टैकिंग किया, आप ट्रेड प्रॉफिट ले रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती है तो फॉरेक्स मार्केट 5 दिन ही ओपन रहता है वीक में, मंडे टू फ्राइडे, तो 5 दिन ही आपको मिलने वाला है प्रॉफिट, सैटरडे संडे नहीं मिलेगा। उसके बाद जिस दिन आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके 24 घंटे बाद आपके अमाउंट पर ट्रेड होना स्टार्ट होगा। अब साथियों, अगर आपने स्टैकिंग किया हो नहीं किया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी 10 लेवल की जो टीम है, अलग से टीम नहीं बनती है इसमें, जो आपकी यूएसडीटी थंडर में स्टार्टिंग से जो इनकम करते हुए जो टीम बनी है, यानी कि आपने जो रेफरल टीम बनाई है 15 लेवल की, उसमें जो 10 लेवल की टीम अगर स्टैकिंग करती है तो वहां से भी आप इनकम ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। अब एलिजिबल कैसे होंगे, आपको पहले स्टैकिंग करना जरूरी है पूरे नीचे की 10 लेवल की टीम की, रेफरल जो आपने किया है उसके नीचे जो टीम डेवलप होती है उससे आपको टीम स्टैकिंग बोनस लेने के लिए पहले खुद का स्टैकिंग और आपके डायरेक्ट में 10 स्टैकिंग होना कंपलसरी है। अगर इतना होता है तो पूरे 10 लेवल से भी आपको जो टीम कमाई करती है, जो टीम इनकम करती है, उनकी इनकम का भी आपको इनकम मिलता है। कैसे, जैसे फर्स्ट लेवल पर आप देख रहे होंगे 40%, ये 40% आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग स्टैकिंग करेंगे उस स्टैकिंग से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का 40% आपको भी मिलेगा। सेकेंड लेवल पर जो भी टीम इनकम करेगी स्टैकिंग बोनस से उनकी जो इनकम होगी उसका 20% आपको भी मिलेगा। लेवल 3 पर 10%, लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक 5%, लेवल 9 पर 3% और 10 पर 2%। एक बात ध्यान रखना है, हर एक लेवल के लिए एक स्टैकिंग कंपलसरी है, यानी कि 10 लेवल के लिए आपके डायरेक्ट में 10 स्टैकिंग होना कंपलसरी है। अगर 10 स्टैकिंग नहीं होती तो जितने डायरेक्ट हैं जितने आपकी स्टैकिंग है उतने ही लेवल की आपको टीम से स्टैकिंग मिलने वाली है। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर 10 लेवल की टीम से जो स्टैकिंग इनकम आती है उसका मजा लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट का जो भी स्पॉन्सर है उसके हमेशा बराबर स्टैकिंग अमाउंट रखना है। अगर आपने बराबर नहीं रखा तो पूरी की पूरी 10 लेवल की टीम से आपको इनकम जो मिलेगी वो मिलेगी आधी, यानी 50% ही आप इनकम ले पाएंगे। मैं इसे उदाहरण देकर समझाता हूं कि अगर मान लीजिए आपने $50 का स्टैकिंग किया और आपके डायरेक्ट में जो भी स्पॉन्सर हैं उसमें से किसी ने $500 का स्टैकिंग कर दिया, या मान लीजिए $100 का कर दिया, आपका तो $50 है, आपको मिलेगा पूरी टीम से मिलेगा, लेकिन वो 50% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस कंडीशन में आपको हाईएस्ट 500 है तो 500 बराबर करना है, 100 है तो 100 बराबर करना है, डायरेक्ट में जो सबसे हाईएस्ट स्टैकिंग होगी उसके बराबर करना है। टर्म्स एंड कंडीशन है, मिनिमम विड्रॉल $10 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी इनकम करते हैं $10 होने पर आप विड्रॉल कर पाएंगे। मिनिमम वॉलेट कन्वर्ट एंड ट्रांसफर $5 है,
ब्रोकरेज चार्ज जो है, स्टेकिंग ब्रोकरेज चार्ज 10%, ये क्या होता है समझिए, आपने जो भी स्टेकिंग अमाउंट सेलेक्ट किया, जो भी स्टेकिंग की है, फर्स्ट टाइम जब भी स्टेकिंग आप करेंगे उसका 10% यूएसडीटी थंडर आपका ब्रोकरेज चार्ज काटेगा, बाकी के 90% पर ही आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट मिलेगा। फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होगी उसका 90% जो बचता है उसी पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे स्टेकिंग होती है, मैं बता चुका हूं, वीक में 5 डे। एवरीडे स्टेकिंग की क्लोजिंग होगी, यानी कि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एवरीडे क्लोजिंग क्या होता है। सर आपने जो स्टेकिंग किया है और आपकी टीम ने जो किया है उनसे जो आपको प्रॉफिट आएगा आपकी स्टेकिंग पर और आपकी टीम से, टीम स्टेकिंग का, वो पर डे आएगा क्योंकि टीम की भी पर डे स्टेकिंग की क्लोजिंग होगी। सैटरडे संडे नहीं होगी क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। यू कैन विड्रॉ योर 100% स्टेकिंग वॉलेट, आप अपना विड्रॉ जो है 24/7 कभी भी कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट से जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, टीम की स्टेकिंग से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे आप पर डे विड्रॉल कर सकते हैं, 100% विड्रॉल कर सकते हैं। स्टेकिंग के कमीशन को छोड़कर जो भी इनकम है वो 50% ही आप विड्रॉल करते हो, 50% री इन्वेस्ट होती है। रैंक अचीव करते हुए वो 80% तक विड्रॉल करते हो, लेकिन पहले दिन से ही आपको यहाँ पर स्टेकिंग की जो इनकम है वो 100% विड्रॉल करने का मौका मिलता है। अब साथियों फर्स्ट टाइम स्टेकिंग प्रॉफिट स्टार्ट आफ्टर 24 आवर्स, मतलब कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टेकिंग पे कोई भी अमाउंट डालेंगे उस अमाउंट को 24 घंटे बाद ही अकाउंट में ट्रांसफर, मतलब मेन अकाउंट में ट्रांसफर करके ट्रेडिंग में यूज लिया जाता है, तो 24 घंटे बाद ही यानी कि नेक्स्ट डे ही आपको स्टेकिंग प्रॉफिट मिलेगा। साथियों कोई भी अगर आपके डाउट्स होते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी है info@usdtthunder.com, यहाँ पर मेल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को लिख सकते हैं, कोई इश्यूज हो तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं, आपको कंपनी से रिवर्ट मेल, रिवर्ट सपोर्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बाकी आप अपने अपलाइन की मदद से भी कंपनी को मेल करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, ये अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपकी न्यू टीम या न्यू गेस्ट जो भी मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उन्हें सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, USDT थंडर का मिशन एंड विजन पता चला होगा कि क्या विजन लेकर चल रहे हैं मिस्टर मॉरिस, क्यों $15 का पैकेज है, क्यों मल्टीपल पैकेज यहाँ पर नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो अपलाइन डाउनलाइन का मार्केट में खेल चल रहा है, USDT थंडर का बवंडर चल रहा है। देखो साथियों कैसे, आप खुद देखिए, दूसरों की बातों में मत आइए, मैं कहता हूं राहुल वर्मा की बातों में भी मत आइए, मैं तो प्लान प्रेजेंट करता हूं, ठीक है, आज से नहीं कई सालों से, 10-11 सालों से इस इंडस्ट्री में, लेकिन हम खुद बुद्धिजीवी इंसान है, हमें कंधे के ऊपर जो सर दिया है वो डेकोरेशन के लिए नहीं दिया, वो यूज लेने के लिए, तो उसे यूज